जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट में आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, टॉप और लेटेस्ट किस्म की खबरें लेके आप हिदत में हाजिर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है अफगानिस्तान के हवाले से और एशिया कप के हवाले से, उसके ऊपर आपको ज़रा अपडेट देते हैं और साथ में फिर बात करते हैं थोड़ा सा आगे जाके। जो शाहनवाज हानी है वो बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं, वो क्या सीन है, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं एट दी एंड थोड़ा सा अफगानिस्तान सीरीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान को इसके बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आते हैं, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया। आपको पहले मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि पाकिस्तान के नए चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक साहब ने अपनी कुर्सी संभाल ली है और पाकिस्तान के जो बाकी आपको सामने जो कोचेज़ हैं वो भी सारे सामने आपके गए, वही सारा पुराने सेटअप रखा गया। और क्यों इसलिए रखा गया कि पाकिस्तान के जो आपके सामने जो ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान का जो स्नैरियो पिछले यानी कि जो सेटअप के साथ था जिसमें इंजमामुल हक पहले भी चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, उनके साथ जो इनका स्नैरियो बना हुआ था वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। तो इस वजह से इनको दोबारा रिटेन किया गया है मिकी ऑर्थर साहब को, क्योंकि पहले भी इंजमामुल हक का तजर्बा रह चुका है, 3.5 ईयर वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं और उनके साथ मिकी ऑर्थर भी पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं और पाकिस्तान के सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अच्छा। इसके ऊपर नज़र डालने से पहले इंजमामुल हक साहब ने पूरी टीम को अपनी तरफ से जस्टिफाई किया, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि क्यों पाकिस्तान के एक माइनस ऑलराउंडर जो आपके इमाद वसीम है उनके साथ क्यों ज़्यादती की गई है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, पहले स्क्वाड की तरफ नज़र डाल लेते हैं फिर उसके बाद हम आगे जाकर बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक होंगे, उसके साथ होंगे फ़हीम अशरफ, उसके साथ फ़हीम अशरफ के साथ हैं फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, नसीम शाह हैं, सलमान अली आगा हैं, साऊ शकील हैं, शदाब खान है और शाहीन शाह अफरीदी हैं, साथ में तैयब ताहिर और उसामा मीर और कैप्टन बाबर आजम होंगे। ये आपका 15 रुकनी या 16 रुकनी स्क्वाड है। तो ये आपका जो स्क्वाड अभी अनाउंस किया गया है, ये मैं बहुत ही ज़्यादा जिसे कहेंगे कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, जिसमें मैं मोहम्मद नवाज़ को नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इमाद वसीम को जो कि एशिया कप आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अभी जो मैंने ये स्नैरियो देखा है और जब मैं इंजमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के सारे सूरत हाल को कर रहा हूँ, सारा कवर कर रहा हूँ, वो बहुत ही मायूस कुन है कि पाकिस्तान के अंदरूनी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि इमाद वसीम के लिए काफ़ी लोग बात भी कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसे नाम भी थे जो नहीं बाबर आजम जो नहीं इमाद वसीम को इस टीम में देखना चाहते थे। तो इमाद वसीम ने भी दूसरी तरफ अगर देखे तो उन्होंने भी अपने आप को लाइटली नहीं लिया और उन्होंने भी अपील करने का फ़ैसला किया, ये अंदर से ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं। अभी ऑफिशियली खबर कोई नहीं आई, लेकिन अभी जो अंदर से ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि इमाद वसीम जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को सू करने जा रहे हैं अदालत में और अदालत के ज़रिए वो बताएंगे कि क्या उनकी सिलेक्शन जस्टिफाई होती है या नहीं होती। तो ये सारा जो स्नैरियो है आपके सामने है एशिया कप के हवाले से और अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से। अगर अफगानिस्तान सीरीज़ के ऊपर थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तान के एक्सपीरियंस सारे प्लेयर्स हैं और ऐसे यही आपका ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन आगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में ट्रैवल करेगा और तभी मुझे ज़्यादा चांसेज नज़र नहीं आ रही इमाद वसीम के, क्योंकि आपके पास नवाज़ सेट हैं। तो इसके अलावा मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि कोई इनको जस्टिफाई करेगा कि बाबर आजम के पास कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वो लेके जाएं इमाद वसीम को। अगर दूसरी तरफ देखें तो इमाद वसीम T20s में तो जब ये लीग्स खेल रहे हैं या दूसरे सारे ये सिनेरियो बन रहा है आपके सामने है कि बाकी जो सारा ये सूरत हाल है आपके सामने है और जिस तरह वो खेल रहे हैं बाकी लीग्स वगैरह उसमें आउटस्टैंडिंग है। T20 लीग्स के लिए तो वो स्पेशलिस्ट हैं और T20 टीम का हिस्सा तो नो डाउट बहुत ही आसानी से बन सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ODI वर्ल्ड कप है, फिर ODI फॉर्मेट पर एशिया कप है, तो ये भी थोड़ा सा इशू हो सकता है इमाद वसीम के लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक और प्लेयर का नाम है जो बड़ा ही मुश्किल है और हम देख
देख के बड़े एकदम से परेशान होते हैं कि यार शान मसूद को तो बाहर कर दिया, चलो हम उनको जो मर्ज़ी कहते थे, मैंने कभी किसी पे क्रिटिसिज्म नहीं किया और ना ही मैं ऐसी कोई बात करता हूँ, क्योंकि आपके सारे प्लेयर्स हैं उन्होंने इतनी नीचे से परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं कि फिर ही हम उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उनसे पहले कोई, अगर जो डोमेस्टिक में कर रहे हैं परफॉर्मेंस, उनसे पहले अगर वो टीम में आ जाते हैं तो फिर वो बातें आती हैं कि वो पर्ची के नाम से उनको मशहूर किया जाता है। तो शान मसूद भी देख लें, अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो शान मसूद का क्या फ्यूचर है, अब किस तरह वो आगे वर्ल्ड कप में जा रहे हैं नहीं जा रहे, अब उसके बाद ही हम आगे सिनेरियो देखें। लेकिन शान मसूद एशिया कप में नहीं जा रहे, ये हैरान कन खबर है। लेकिन अब बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट मैचेस खेल रहे थे, तो अब इनको ODI में होना चाहिए था, लेकिन इनको वहाँ से भी खारिज कर दिया गया। अगर दूसरी तरफ देखें तो फ़हीम अशरफ हैं, ये फ़हीम अशरफ के पास पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो कहीं से घूम फिर के वापस आ जाते हैं दोबारा। हसन अली बहुत अच्छा कर रहे हैं, हसन अली को लेके आना चाहिए था, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर देखते हैं तो आपके मोहम्मद वसीम जूनियर है, जो कि अपनी अभी तक अपनी बैटिंग से तो हमें इंस्पायर नहीं कर सके, लेकिन फ़हीम अशरफ है, उन्होंने काफ़ी अच्छे मौक़ों पर खेला, लेकिन हमें जो उनकी परफॉर्मेंसेज बैटिंग के साथ भी नज़र आई है वो सिर्फ हमें PSL में नज़र आई है, जो उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ आखिरी ओवर में मैच जितवाया था, तो वो हमें बस नज़र आती है परफॉर्मेंस फ़हीम अशरफ की एज ए बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर। अगर देखें बैटिंग अगर कर सकते तो वहाँ पर हमें नज़र आई, इसके अलावा हमें पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए अभी तक कोई उनकी खास परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आई, तो उनको लेके जाना ये भी बड़े मेरे लिए परेशान कुन खबर है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा शाहनवाज दानी पे भी। शाहनवाज दानी बहुत अपसेट हुए हैं अपनी सिलेक्शन के, उन्होंने अपने स्टैट शेयर कर दी हैं और बड़े हार्श वर्ड्स के साथ उन्होंने सारी बात की है, तो मैं देख के बड़ा ये हुआ था कि यार अगर प्लेयर्स के साथ अगर ज्यादतियाँ होनी शुरू हुई हैं तो अगर प्लेयर्स उठ के खुद ही अपने सारे स्टैट्स निकाल के दिखाना शुरू कर देंगे तो फिर कहाँ पे आपकी क्रिकेट और कहाँ पे आपका ये सारा सिनेरियो जाएगा और आपके सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। और इसलिए नहीं कि आपके पास जो सारा सिनेरियो बन रहा है, इसलिए आपका ये सिनेरियो इसलिए बनेगा क्योंकि आप सिलेक्शन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वो चीज़ नहीं है कि आप किस तरह सारे प्लेयर्स को किस तरह आप करते हैं। आप स्टैट्स के साथ बताएं कि मैंने इनको क्यों सिलेक्ट किया और इनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया। तो दहानी साहब को सब्र करना चाहिए वरना वो आमिर बनने में देर रखती, ये वसीम अक्रम साहब ने भी कहा है। और दहानी ने अपने स्टैट शेयर करते हुए और बड़े हार्श वर्ड्स में कहा है कि नॉट इवन सिंगल जर्नलिस्ट और क्रिकेटर एनालिस्ट इवन डेयर टू आस्क क्वेश्चन और शो दी स्टैट्स टू सिलेक्टर्स। फिर राशिद लतीफ़ साहब ने भी कहा है, उन्होंने स्टैट्स, राशिद लतीफ़ साहब ने भी स्टैट्स शो किए थे और वो दिखाया था कि ये डोमेस्टिक के प्लेयर्स और इनके साथ होना चाहिए, लेकिन वो बड़े ही उनसे भी खफा हुए, तो फिर उनका माई मिस्टेक दहानी, आई विल मेक न्यू, यानी कि राशिद लतीफ़ साहब के साथ भी इनकी थोड़ी सी हुई है। लेकिन बात यही है कि यार आपके पास वो सारा सिनेरियो होना चाहिए कि आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं और क्यों इस तरह करते हैं। टीम में जगह ना बना पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए तो मायूस कन हो सकता है, और यही चीज़ ना सिर्फ क्रिकेटर शाहनवाज दानी बल्कि इनके फैंस के लिए भी बड़े उनके रवैये को जाहिर करती है कि धानी पाकिस्तान की इन खुशकिस्मत क्रिकेटर में से हैं जिनके टीम में ना होने या होने की वजह से इनकी फॉलोइंग पर कम ही असर पड़ता है। मगर गुज़िश्ता जो आपके एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए स्क्वाड में शामिल ना किए जाने पर धानी ने जो तबसरा शाया किया है, इस पर एक साफिया क्रिकेट तजियाकार ने सवाल पूछने की जरूरत नहीं की, ना ये दादोशुमार सिलेक्टर्स को दिखाएं, ये दहानी साहब का कहना है। जब साबिक पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ़ साहब ने स्क्वाड में शामिल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की लिस्ट एक कारकर्दगी के दादोशुमार शेयर किए तो इस सरफहरिस्त में धानी का जिक्र नहीं हुआ, जिस पर रद्देअमल देते हुए धानी ने लिखा कि लगता है धानी पाकिस्तानी पेसर ही नहीं है। तो यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा मायूस कन है और बड़े ही, हालांकि उधर से हमें जमान खान की खबरें आ रही थी कि जमान खान जा रहे हैं और ये जा रहे हैं, वो ये सारा सिनेरियो है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे, जो आपके स्टैट से बता रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान सीरीज़ के ऊपर नज़र डालें तो अफगानिस्तान सीरीज़ आप जीतेंगे तो आप अगर उसमें तीन मैचेस आपके उनमें से अगर आप दो जीतें तो आप नंबर वन ODI रैंकिंग में चले जाएंगे, तो आप उस सिनेरियो के साथ आगे एशिया कप और उस सिनेरियो के साथ ही अगर आप आगे वर्ल्ड कप खेलते तो क्या ही मज़ेदार खबरें होंगी और क्या मज़ेदार ये न्यूज़ होगी और किस तरह हम इसको जस्टिफाई करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ये देख के। अब आते हैं थोड़ा टिकट्स की तरफ, तो टिकट्स आपको कल की खबरों में आपको बताया गया था कि टिकट्स पाकिस्तान की जानिब से
आज के दिन अभी घंटा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे घंटे यानी कि दो से ढाई बजे के दरमियान ये लाइव हो जाएंगे, टिकट सेक्शन लाइव कर दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सिनेरियो बनता है और क्या क्या टिकट्स आती हैं। उसके इंशाल्लाह आपने मेरे साथ अपडेटेड रहना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे हम डिटेल के साथ बात करें टिकट्स की प्राइसेस, और मुझे लग रहा है बड़ी हाई आने वाली हैं इस दफ़ा, क्योंकि एशिया कप है, एशिया कप की टिकट थोड़ी होंगी, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस कम है इधर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है इशू। अदरवाइज़ बहुत ही आउटस्टैंडिंग टिकट्स में, और बड़ा मुझे लगता है कि ये आपके दिनों दिन में आज के दिन में ही सारी बिक जाएंगी, क्योंकि जिस तरह आपके क्रेज़ है यहाँ पे लाहौर में और मुल्तान में ओपनिंग है, तो फिर आपके पास बड़ा क्रेज़ है क्रिकेट का, तो यहाँ पे आपके फैंस इतने ज़्यादा होंगे कि आपको टिकट लेने के लिए टिकट्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपको अभी भी फैंस बाहर नज़र आते होंगे कि फैंस पहुँचे हुए हैं क्रिकेट स्टेडियम। तो अपना इंशाल्लाह थोड़ी अगली वीडियो में आएंगे तो हम टिकट्स की सारी प्राइस और हर चीज़ लेके आएंगे, ताकि आप भी उसके साथ अपडेटेड रह सकें। तो इंशाल्लाह ये आज की खबरें थी, और जो आज की खबरों पे हमने तबसरा किया है धहानी साहब का, और इनके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपकी राय को भी हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में और इस वीडियो में व्लॉगिंग में इंशाल्लाह ऐड किया करेंगे। तो ये आज की खबरें थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।